अगर आपके पास कोई ट्रक हो और आप उसमें अवैध बालू या ओवरलोडेड गिट्टी चलवाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा नहीं बस 100 रुपए की जरूरत है। 100 रुपए का बिना रसीद वाला चालान आपको लेने के बाद आपको ना तो पुलिस प्रशासन पकड़ेगी ना माइनिंग विभाग का कोई खतरा। पिछले दिनों जिले के ठाकुरगंज के अंतर्गत भकैया में ग्रामीणों ने ओवरलोडेड चलने वाले ट्रकों के परिचालन पर जमकर बवाल काटा था, लेकिन क्यों काटा था शायद यह अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा या आप भूल गए होंगे। यह कोई नई बात नहीं कि जिले भर में बालू गिट्टी से लदे ओवरलोडेड ट्रक सीना ठोक कर और कानून को ठेंगा दिखाकर खुलेआम सड़कों पर चल रहे हैं और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर राजस्व को घाटा लगाने का जो रेट आजकल चल रहा है वो मात्र 100 रुपये है। यह हम नहीं बल्कि ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं। और ऐसे ही एक ओवरलोडेड ट्रक ड्राइवर से जब हमने पूछा कि आखिर आप कैसे अपनी मर्जी से इस तरह चलते हैं तो सुनिए क्या उन्होंने कहा। जिस सड़क पे आप लोग चलते हैं पुलिस वाले को कितने कितने पैसा देते हैं? आप कितना पैसा देके गाड़ी चलाते हैं? हाँ, ये ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि पुलिस वालों के साथ सांठ गांठ है पैसा का। क्या सांठ गांठ है पैसा का? वो लोग हम लोग से 100 रुपया लेता है। कौन लेता है 100 रुपया? थाना वाला, थाना प्रभारी। आप ही के लिए हम, आप ही के लिए, आप ही के लिए हम आए। एक मिनट हल्ला नहीं कीजिए, थोड़ा सा दूरी दूर दूर रहिए। ये बताइए भैया कि कौन सा थाना लेता है पैसा? जिसका क्षेत्र पड़ता है, मेहरमा पड़ता है। मेहरमा पड़ता कौन पड़ता है? मेहरमा वाला लेता हूँ। तो ये बताइए कि कितना पैसा, अच्छा ये बताइए ना कि कितना कितना पैसा लेती है एक थाना? कितना पैसा लेती है? 100 रुपए लेती है। 100 रुपए लेती है। कितना दिन से दे रहे हैं पैसा? वो जब से चल रहे हैं तब से दे रहे हैं, कोई आईजे से नहीं दे रहा उसको। कहाँ कहाँ कौन कौन से थाना में दिए हैं अभी तक? अभी तक तो यहाँ से जाते हैं तो मेहरमा थाना भेटेगा तो उसको देंगे भाई। क्या मेहरमा थाना भी भेटाएगा तो उसको देंगे 100 रुपए? मेहरमा थाना भेटाएगी तो उसको देंगे। और इसके पहले कौन से थाने से आ रहे हैं? अभी मिर्जा चौकी साहब, मिर्जा चौकी को नहीं दिए। मिर्जा चौकी को नहीं दिए, मेहरमा को देंगे? मेहरमा भेटेगा तो वो लेगा, नहीं भेटेगा तो नहीं लेगा। अच्छा क्यों देते हैं पैसा, किस बात का पैसा देते हैं? भैया वो बोलता है कि वो भर लोड है कि अंदर लोड है, पैसा देना होगा तो हम लोग। तो 100 रुपए, 100 रुपया जो आप लोग का रेट है, ये 100 रुपया आप लोग का रेट फिक्स है? हाँ वो फिक्स है, 100 रुपया लेवे का फिक्स है। तो मान लीजिए, एक मिनट सर हल्ला नहीं कीजिए, एक बात बताइए कि मान लीजिए कि अभी आप कहीं से आ रहे हैं, रास्ते में अगर 10 थाना पड़ेगा झारखंड में तो 10ों को 100-100 रुपए करके दीजिएगा? हाँ वो सब भी लेता है। सब लेता है, क्यों देते हैं? देने के पीछे कारण क्या है कि ओवरलोडेड गाड़ी है? अभी तो अंदर लोड है, चलान लेके जा रहा है, अभी तो ओवरलोड नहीं है। क्या है आपकी गाड़ी में? गिट्टी है। ओवरलोडेड है कि अंडरलोड? ओवरलोड कहाँ चलता है? तो फिर क्यों दीजिएगा पैसा? मान लीजिएगा छोटू कुमार हुआ। अच्छा ये ट्रक अभी आप चला रहे थे, जो आ रहे थे तो कौन सा थाना था वो? थाना ध्यान में नहीं है। अच्छा तो ये कितना पैसा आप लोग देते हैं थाना को? ये हर एक चक्कर मैंने कि जैसे कि 100-100 रुपया लेता था, 200-200 रुपया मांग रहा है, 500-500 मांग रहा है कभी कदाल। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम जो यहाँ मिर्जा चौकी से आ रहे हैं। मिर्जा चौकी से आ रहे हैं। रात का समय कितना हो रहा है अभी? अभी एक मिनट हो 11:23 हो रही है। 11:23 हो रहा है। तो डेली देते हैं पैसा आप लोग? जी हर एक चक्कर लेता है पैसा। किस किस बात का पैसा देते हैं? पर ट्रिप, मतलब पर ट्रिप देते हैं ना? पर ट्रिप लेता है। किस बात का पैसा देते हैं? जबरदस्ती अंदर लोड माल है, चलान है फिर भी। अच्छा चलान है उसके बाद भी ले लेता है पैसा आपसे? हाँ मतलब ये बोल रहा है सर, जो मतलब हमको खर्चा चाहिए, रास्ता खर्चा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मतलब गाड़ी में ओवरलोड हो चाहे कुछ हो उससे कोई मतलब नहीं है? उससे कोई मतलब नहीं है, खाली पैसा चाहिए। सिर्फ पैसा चाहिए। कितना अभी पैसा दिए भैया? अभी 200 रुपया लिया है। 200 करके लिया दोनों गाड़ी से। इनकी बात सुनने के बाद जिला पुलिस प्रशासन और माइनिंग विभाग दोनों सवालों के घेरे में। अपने दामन पर लगे इस दाग को किस प्रकार धोएंगे या हम उन पर छोड़ देते हैं। हालांकि इस तरह के क्रियाकलाप से पूरी दुनिया वाकिफ है। स्थानीय नेता, राज्य के मंत्री सहित मुख्यमंत्री जी को भी इस बात का ज्ञात होगा, लेकिन ये इन ड्राइवरों की बातें अब सबूत बनकर सामने आई हैं। इसीलिए चल रहा है, प्रशासन जो है इस रूट पर ध्यान ही नहीं देता, सिर्फ उसको जो है पैसा माल से मतलब है,
पैसा मिल रहा है बड़जोबरी या माल मतलब पैसा। हाँ माल मतलब का अर्थ हुआ पैसा, पैसा मिल रहा है गाड़ी जबरदस्ती चलवाया जा रहा है, ना विधायक को मतलब है और ना प्रशासन को मतलब है, सिर्फ उसको तो पैसा। अभी तो कोरोना काल चल रहा है ठीक है, तो ये गाड़ी इतना कैसे चल रहा है? सारे के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है, ये गाड़ी के लिए लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। अच्छा।